everyone, this is Disha. Welcome back to the channel Medical Disha. अब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है एंड आई होप कि आप सब अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे. अभी हमें कुछ पता नहीं है कि नीट का एग्जाम किस मंथ में होगा, पर ऐसा बोला जा रहा है कि शायद मई में हो सकता है. तो हमारे पास अभी 3 months हैं, that is फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. इन 3 महीनों में हमें अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है ताकि हम एक सीट सिक्योर करने जितने मार्क्स इजीली स्कोर कर सके. सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू टिप्स टू कवर द नीट सिलेबस इन 3 months एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम. सो फर्स्ट वन इज चूजिंग द राइट स्टडी मटीरियल. अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मल्टीपल बुक्स को रीड करें या गलत स्टडी मटीरियल पे अपना टाइम वेस्ट करें. हमें बेसिकली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, हमें एनसीईआरटी की बुक रीड करनी चाहिए. मॉड्यूल्स अगर आपके पास है तो आप उन्हें रीड कर सकते हो. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा सिलेबस इन सभी मटेरियल्स से कर सके. और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उन्हें भी अब बहुत क्विक वे में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट कर रही हूँ जिसने हर इम्पोर्टेंट मटेरियल को एक जगह पे इकट्ठा करके आपको दिया है, एंड आई विल शो यू दैट बुक. सो द बुक इज ओसवाल बुक्स. इस बुक में आपको सारा रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल एक जगह पे कॉन्साइज मिलेगा, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट यू दैट कीप योर स्टडी मटेरियल कॉन्साइज. Now let me show you the book. So सबसे पहले आपको इस बुक में यूनिट वाइज वेटेज दी हुई है. आप इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए अपने यूनिट्स कवर कर सकते हो. एंड देन यू हैव सम टिप्स टू क्रैक द नीट एग्जाम. ये टिप्स हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगे. देन देयर इज अ ट्रेंड एनालिसिस जिससे आपको पता लगेगा कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे. दिस बुक इज नॉट अ ऑर्डिनरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक. इस बुक में आपको हर चैप्टर का एक माइंड मैप मिलेगा जिससे पूरे चैप्टर की रिविजन हो जाएगी, और आपको हर चैप्टर का चैप्टर एनालिसिस और टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स मिलेंगे. दीज रिवीजन नोट्स आर कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, कम्प्लीटली रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट. टॉपिक वाइज आप रिवीजन नोट्स पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. और क्योंकि बायो एक कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, तो इस बुक में बहुत सारे निमोनिक्स गिवन हैं. आप इन निमोनिक्स को यूज़ करके सभी पॉइंट्स को याद कर सकते हो. हर चैप्टर के एंड में QR कोड्स गिवन हैं जिन्हें स्कैन करके आप और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो. This is the 34 years previous year questions book of bio. Moreover, this book has 2 sample question papers based on the latest NEET pattern. You can always practice them to analyze your performance. The same book is available in physics and chemistry also. And this book has a very smart approach. जो बच्चे revision कर रहे हैं वो भी इस book को पढ़ सकते हैं, और जो बिल्कुल starting से अपना syllabus cover कर रहे हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं. And this book will help you to cover the syllabus in less time. You will be able to study more in less time. So this book has a very smart approach, and I personally recommend this book to all of you. This book of physics, chemistry and bio is available in all the bookstores and Amazon and Flipkart, the link of which will be provided in the description. The next point is time management. हमें exam के दौरान अपने time को अच्छी तरह manage करना है, because the exam will be of 3 hours, that is 180 minutes, और in 180 minutes में हमें 200 questions read करने हैं. इसलिए हमारा time management बहुत important है, क्योंकि जब आते आते questions छूट जाते हैं time की वजह से तो वो बहुत गलत है, उससे बहुत दुख होता है. इसलिए आप जब भी MCQs practice कर रहे हो तो एक time bound manner में MCQs को practice करो.
एंड द थर्ड पॉइंट इज गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. आप जितने टेस्ट दोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. इनिशियली हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हों, पर अगर आप टेस्ट देते रहोगे तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे. और जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उन्हें एनालाइज करो और उन पे वर्क करो. लास्टली ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ. थैंक यू. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you.